हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो सो गाइस, आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मस्त ही होंगे। तो सो गाइस, आप लोग देख पा रहे होंगे मतलब स्क्रीन पे, मैं एकदम गजब का फोटो एडिटिंग मैं एकदम लाया हूँ आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि बिल्कुल मेरे ही जैसे आप लोग एडिटिंग कर सकते हो, ठीक है। तो ये देख सकते हो भाई, ये बिफोर फोटो एंड यहाँ पे देख सकते हो कितना एकदम गंदा सा लग रहा है, ठीक है। और मैंने इसी पिक को मैंने एडिटिंग किया हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो एकदम गजब का लग रहा है ना। और ये देख सकते हो एंड ये देख सकते हो, ठीक है, मतलब बहुत फ़र्क है ना। तो आप लोग भी बिल्कुल मेरी जैसे एडिटिंग करना चाहते हो ना, तो भाई बस क्या कीजिएगा, आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। और भाई मतलब एक सेटिंग आप मिस कर देते हो ना तो आप लोग सीख नहीं पाओगे, ठीक है। तो भाई स्किप मत कीजिएगा, बस इतना ही बोलूँगा मैं। तो मैं आ जाता हूँ सीधे वीडियो की ओर। तो ये मतलब ओरिजिनल फ़ोटो, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अपने ओरिजिनल वाले फ़ोटो को पिक को मतलब शेयर कर लेंगे स्नैपसीड एप्लीकेशन में, ठीक है। तो ये रहा स्नैपसीड एप्लीकेशन, तो हम लोग जल्दी से मतलब इस एप्लीकेशन में हम लोग शेयर कर लेते हैं अपने पिक को, ओके। एंड शेयर करने के बाद आप लोग क्या कीजिएगा, टूल्स पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे, एंड यहाँ पे टूल्स पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, ट्यून इमेज पे क्लिक करना है। एंड यहाँ पे आपको नीचे से कुछ स्टेप्स है, आपको मतलब स्वैप करना है, एंड यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा, ओके। एंड यहाँ पे एम्बुलेंस को यहाँ पे 26 के आसपास, एंड शैडो को भी 25 के आसपास हम लोग रखेंगे, ठीक है। तो हम लोग मतलब पिक को एडजस्ट कर रहे हैं, ओके। एंड इतना करने के बाद अब हम लोग फिर से अगेन टूल्स पे जाएंगे, एंड यहाँ पे सिलेक्टिव टूल लेंगे, ठीक है। एंड इसका काम क्या भाई, आप लोग जो है ना, आप लोगों को जहाँ भी काला लगता है ना, आप लोग क्या कीजिएगा, वहाँ पे सिलेक्ट करके हल्का सा जो है ना ब्राइटनेस को इनक्रीज कर दीजिएगा, ठीक है। इससे मतलब मस्त हो जाता है, ठीक है, मतलब फेस जो है ना, हमारा चेहरा जो है ना वो बराबर में मतलब आ जाता है, ठीक है, फेस हमारा बराबर में आ जाता है, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ आप लोग भी बिल्कुल ऐसे ही कर लीजिएगा। आपको जहाँ भी काला लगता है भाई, आप लोग सेलेक्ट करके आप लोग क्या कीजिएगा, ब्राइटनेस को इनक्रीज कर लीजिएगा, ठीक है। एंड यहाँ पर डन हो गया, ओके। एंड हम लोग इस पिक को शेयर करेंगे लाइटरूम एप्लीकेशन में। तो भाई आप लोगों को लाइटरूम एप्लीकेशन यहाँ पर देख सकते हो, एंड वेट यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ लाइटरूम एप्लीकेशन। और ये देख सकते हो लाइटरूम एप्लीकेशन में मैं अपने पिक को शेयर कर लिया हूँ, ठीक है। आप लोग भी इनपुट कर लीजिएगा, मतलब शेयर कर लीजिएगा, ओके। एंड यहाँ पे देख सकते हो, तो भाई ये देख सकते हो, ये मतलब हमारी फ़ोटो है, पिक है, ओके। तो भाई ये देख सकते हो मतलब कितना एकदम गंदा सा लग रहा है, ठीक है। और मैं वन क्लिक में अभी मैं एडिटिंग करूँगा, ठीक है। तो ये जो है ना प्रीसेट, इसको बोलते हैं प्रीसेट, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। एंड यहाँ पर आपको क्या करना है, 3 डॉट पे जाना है, एंड यहाँ पे आपको कॉपी सेटिंग कर लेना, ओके। यहाँ पे मैं कॉपी सेटिंग कर लेता हूँ, एंड वहाँ पे आपको मतलब सही का निशान होगा, आप लोग वहाँ पे डन कर दीजिएगा। एंड इतना करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो सेटिंग हो गया कॉपी। एंड अब हम लोग क्या करेंगे, 3 डॉट पे जाएंगे अपने ओरिजिनल वाले फ़ोटो पर, एंड यहाँ पर क्या करना है आपको, वहाँ पर हम लोग कॉपी किए थे, यहाँ पर हम लोग पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो पेस्ट करते एकदम कितना गजब का फेस हो गया ना हमारा। बैकग्राउंड को छोड़ो, ठीक है, बैकग्राउंड का मतलब मुझे कोई मतलब नहीं है बैकग्राउंड से, ठीक है, बस हमको तो भाई फेस से मतलब है, ठीक है, क्योंकि मैं बैकग्राउंड इसमें चेंज करने वाला हूँ। और यहाँ पे देख सकते हो आप सभी के सामने में वन क्लिक में मतलब कितना गजब का फ़ोटो, मतलब फेस एकदम गोरा सा हो गया, ठीक है। और भाई साहब इतना करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, अपने मतलब इस पिक को सेव कर लेंगे अपनी गैलरी में। तो यहाँ पे एक्सपोर्टिंग हो रहा है, आप लोग बस थोड़ा सा वेट कीजिए, यहाँ पे एक्सपोर्टिंग हो गया है। एंड इतना करने के बाद आप लोग क्या कीजिएगा, फोटो रूम एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिएगा, ओके। देन यहाँ पे ओपन करने के बाद यहाँ पे आप स्टार्ट फ्रॉम फोटो पे क्लिक करना, एंड यहाँ पे आपने मतलब पिक को आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। एंड यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिएगा, बस हल्का सा वेट करते यहाँ पर बस कुछ स्टेप्स इंटरफेस देखने को मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। एंड आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ पे ट्रांसपेरेंट पे आप लोग क्या कीजिएगा, क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। एंड इतना पे क्लिक करने के बाद आप लोग क्या कीजिएगा, अपने मतलब इसको पकड़ना है, अपने मतलब अपने पिक को पकड़ना और हल्का सा छोटा कर देना। एंड यहाँ पे करने के बाद आप लोग क्या कीजिएगा, शेयर पे क्लिक कीजिएगा, एंड मतलब इस पिक को आप लोग शेयर कर लीजिए, मतलब सेव कर लीजिएगा अपनी गैलरी में, सेव टू गैलरी।
ओके मेरी जान, एंड आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ठीक है, नहीं तो आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा। और जो जो लाइक नहीं किया भाई वो जल्दी से लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को ओपन करेंगे एंड ये बैकग्राउंड का लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, ये भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा प्रीसेट एंड बैकग्राउंड। एंड यहाँ पे पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में आने के बाद आप लोग क्रॉप पे क्लिक कीजिएगा। ओहो ये क्या हो गया, इसको हम मतलब ऐसे कर देते हैं। एंड यहाँ पे क्रॉप पे क्लिक करने के बाद आपको जो है ना यहाँ पे पोस्ट साइज आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है, ये देख सकते हो। तो आप लोग क्या कीजिएगा, पोस्ट साइज पे क्लिक कर देना एंड यहाँ पे आपको डन कर देना। एंड इतना करने के बाद अब हम लोग मतलब यहाँ पे आ जाएंगे, ऐड फोटो पे जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो ऐड फोटो पे। तो आप लोग क्या कीजिएगा, ऐड फोटो पे क्लिक कीजिएगा एंड अपना जो है ना पिक जो है ना आपको सेलेक्ट करना एंड इसको अच्छा से आपको अपने बैकग्राउंड पे अच्छा से मतलब आपको एडजस्ट करना, जैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ तो आप लोग भी बिल्कुल मेरी जैसे आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। ओके देन यहाँ पर आपको डन कर देना एंड यहाँ पे देख सकते हो। और क्या करना है आपको, ड्रू टूल्स में आ जाना है। ओके एंड ड्रू टूल्स में आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इस पिक को सेव कर लेंगे अपनी गैलरी में, तो सेव इमेज। ओके एंड यहाँ पे देख सकते हो अब हम लोग जो है ना इस फोटो को जो है ना इस पिक को अगेन जो लाइटरूम एप्लीकेशन में हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है, एक बार तो किए थे, एक बार और करना है लाइटरूम एप्लीकेशन में, ठीक है। बस भाई आप लोग स्किप मत कीजिएगा, कसम से यार आप लोग सीख नहीं पाओगे अगर स्किप कर देते हो तो, ठीक है। तो यहाँ पे लाइटरूम एप्लीकेशन में ऐड कर लीजिएगा एंड यहाँ पे ओपन कर लीजिएगा, ठीक है। और मैं एक और प्रीसेट दूंगा, ठीक है, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में है दोनों प्रीसेट का। एंड यहाँ पे जैसे हम लोग शुरुआती में किए थे ना वैसे आपको क्या करना है, कॉपी करना एंड यहाँ पे कॉपी करना, जैसे हम लोग स्टार्टिंग में किए थे ना वैसे बस यहाँ पर कॉपी पेस्ट करना। ओके यहाँ पे देख सकते हो कितना एकदम गजब का मतलब हमारा फेस कितना एकदम वाइट हो गया, ठीक है। अब हम लोगों को स्मूथ करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब तो आप लोग सेव कर लीजिएगा अपने फोटो को मतलब पिक को। अब हम लोग भाई मैन एप्लीकेशन को स्केचबुक एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, ठीक है। और भाई ये मतलब ये पिक जो है मतलब ये एप्लीकेशन बहुत काम का, ठीक है। और यहाँ से आप लोग स्किप मत कीजिएगा, कसम से आप लोग फेस स्मूथ करना नहीं सीख पाओगे, ठीक है, यहाँ से आप लोग स्किप मत कीजिएगा। एंड यहाँ पे देख सकते हो अब हम लोग अपना फेस स्मूथ करेंगे, ठीक है। और फेस स्मूथ करने के बाद यहाँ फेस स्मूथ करने के लिए यहाँ पे आपको ब्रश पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको क्या करना, ये देख सकते हो ये वाली ब्रश लेना, ठीक है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो जैसे मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। और इसका सेटिंग यहाँ पे मैं आप लोगों को शो ऑफ कर देता हूँ और आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड यहाँ पे देख सकते हो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, साइज को कुछ इस टाइप से रखना एंड फॉलो को इतना एंड स्ट्रक्चर को इतना रखना, ठीक है। और साइज जो है ना ये भाई ये साइज जो है ना अपने फेस के हिसाब से आप लोग मतलब छोटा बड़ा कर सकते हो। ओके देन इतना करने के बाद आप लोग क्या कीजिएगा, अपने फेस को जूम कर लीजिएगा कुछ इस टाइप से। एंड जूम करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो भाई आप सभी के सामने में देख सकते हो भाई मेरे से कितना एकदम गजब तरीका से फेस स्मूथ हो रहा है। और भाई बोलते हो कि आप लोग कि भाई मेरे से फेस स्मूथ मतलब आता ही नहीं है, भाई क्यों नहीं आता यार, मतलब बहुत आसान है यार, आप लोग बस थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा ना। और भाई वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ठीक है, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने वाला हूँ, ठीक है। तो भाई आप लोग जो है ना थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों के सामने में देख सकते हो मेरा फेस स्मूथ एकदम कितना गजब का हो रहा है। और भाई मैं पूरा करके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि भाई कितना एकदम गजब का फेस स्मूथ होता है। और भाई बोलता है कि सब मेरे से फेस स्मूथ नहीं होता, तो भाई आप लोग जो है ना थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करना। आपको प्रैक्टिस करना अगर समझ में नहीं आता तो भाई अभिषेक भाई का वीडियो बहुत यूट्यूब पे पड़ा हुआ, ठीक है, आप लोग वहाँ पे देख सकते हो। और भाई मैं यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो को फास्ट करते हूँ बिकॉज भाई वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी तो आप लोगों को बोरिंग सा फील आएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा मतलब वीडियो को फास्ट कर देता हूँ क्योंकि मुझे 20 मिनट लग जाता है फेस स्मूथ करने में। एंड यहाँ पे देख सकते हो मैं एकदम गजब तरीके से मैं फेस स्मूथ कर रहा हूँ एंड यहाँ पे गर्दन पे और हाथ पे भी कर लेता हूँ, तो आप लोग भी बिल्कुल ऐसे ही कर लीजिएगा बिल्कुल मेरे जैसे। यहाँ पर डन हो गया, ठीक है, देख सकते हो मेरे जैसे मतलब फेस स्मूथ आप लोग करना सीख जाएंगे। रुको रुको रुको, यहाँ पर हम लोग अभी रुको, कहाँ जा रहे हो भाई, यहाँ पर अब हम लोग लिप्स रेड करेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक लेयर बनाएंगे एंड यहाँ पे आप कलर पे जाएंगे एंड यहाँ पे रेड रख लेंगे एंड यहाँ पे आपको ब्रश पे जाएंगे एंड यहाँ पे आपको ये वाली ब्रश लेना है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ब्रश वाला स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। आपको जो समझ में नहीं आता है उसका स्क्रीनशॉट रख लेना। ओके देन यहाँ पे मैं साइज को इतना कर लूँगा एंड यहाँ पे लिप्स को बस कुछ इस टाइप से मतलब इसको मतलब फिल अप
कर लूँगा, आप लोग भी बिल्कुल ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है। और भाई कितना एकदम औसम तरीका से, मतलब हमारा पिक मतलब कैसा बिफोर में कितना ख़राब फोटो था, ठीक है, और अभी देख सकते हो मतलब कितना गजब का मतलब एडिटिंग हो गया, ठीक है। तो आप लोग भी बिल्कुल ऐसे ही कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आप लोग बस अपना ख्याल रखिएगा, एंड यहाँ पर जो है ना कितना एकदम औसम तरीका से मतलब हो गया, ठीक है। जो चैनल पर नहीं वो सब्सक्राइब कर देना, थैंक यू सो मच।